हम लोगों ने पिछली क्लास में बेस पढ़ा था और आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एसिड हमारा फिनिश हो चुका है, बेस हमारा फिनिश हो चुका है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया, पीएच स्केल के बारे में आप लोगों को बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंथ क्लास का ये। और एक क्वेश्चन आता कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज है। अच्छा, हमारी डेली लाइफ में पीएच का बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए पीएच का बहुत ही मेन रोल होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल प्रोड्यूस होता है, और एचसीएल की प्रेजेंस के कारण ही जो एसिड है, तो एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, और उसकी प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, इससे पहले वो इनएक्टिवेट होते हैं, एचसीएल की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर के ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं वहां पर। तो हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू होती है बेटा, वो होती है लगभग 5.4 to 5.8। ये हमारे माउथ की पीएच वैल्यू है। अब सोचिए, कई बार क्या होता है, जैसे फीवर आता है, ड्यूरिंग कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने सुना होगा इसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो चुकी है, तो उसका रीजन क्या होता है कि हमारे माउथ की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, उस पीएच वैल्यू को मेंटेन होने में समय लग जाता है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टमक है, स्टमक की पीएच वैल्यू 1.4 to 1.8 है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस होने के कारण, और जो एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है दैट इज द एचसीएल। तो ये एचसीएल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। तो अगर सोचिए, एसिडिक वैल्यू, पीएच वैल्यू अगर हमारे स्टमक के अंदर चेंज होती है, तो एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक इसी तरीके से माउथ की पीएच वैल्यू होती है, तो टेस्ट आना बंद हो जाता है। ठीक है, और भी हमारे माउथ के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, प्राइमरी डाइजेशन तो माउथ के अंदर ही होता है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है पीएच की एक लेवल को मेंटेन करके रखना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कई बार क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा बहुत आप तेज मसालेदार तला भुना खाते हैं, उसके कारण, या बहुत ज्यादा आपने ऐसी चीज खाई है, जंक फूड वगैरह लेते हैं, तो एसिड बन जाता है कई बार, है ना, बॉडी के अंदर एसिड बनता है, या हमारा जो एचसीएल होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो इसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर बेस यूज करते हैं, जिसमें एक तो एंटा एसिड आते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं, आप लोगों ने सुना होंगे इनोन एसिडिटी गोन, क्या एसिडिटी मतलब कि एसिड, तो इनो में ऐसा क्या है, वो बेसिकली एक तरीके का बेस होता है। उसके अलावा डाइजीन सिरप आता है, ठीक है ना, डाइजीन सिरप आता है, एक सिरप आता है मो प्लस, तो ये आपने नाम सुने होंगे बेसिकली। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये और कुछ नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी कि MgOH की होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक तरीके का बेसिकली बेस होता है। तो सबसे पहले तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, और कई बार हम लोग लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही हमारा कहलाता है बेसिकली बेकिंग सोडा। तो या तो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में है हमारे पास, फॉर्म में सिरप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दो। तो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू हमारे पास मेंटेन होनी चाहिए, अगर उसका लेवल ऊपर नीचे होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी की खराब हो जाती है। बिल्कुल, मैग्नीशियम मैंने बताया अभी ना, एक तरीके का बेस है ही, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपने सुना होगा कि रात को डिनर के बाद हमें सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो रात को ब्रश करते हैं। अब होता क्या है,
आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया फूड के साथ एंट्री करते, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया एंट्री करते हैं, और जब वो बैक्टीरिया हमारी फूड के साथ बॉडी में एंट्री करते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब वो कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर भी प्रेजेंट है, ये देखिए, ये मैं मुंह खोलूंगा कुछ बैक्टीरिया तो मेरे मुंह में अभी चले गए, क्योंकि एटमोस्फेयर में बाय डिफॉल्ट ऐसे रहते ही है, ठीक है। आपने वो डीम एड देखा होगा, डेटॉल का आता है या सेवलॉन का आता है, तो हाथों पर जब साबुन लगाते हैं, डेटॉल वगैरह लगाता, आपने देखा होगा, अभी कुछ नहीं होता, अचानक से इतने सारे बैक्टीरिया आ जाते, ठीक है। अच्छा, उसमें से 99% मर जाते हैं, 1% बच जाते हैं, वो है जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, सारे मर जाएंगे तो हमारे लिए खतरनाक है। जो लोग ये सैनिटाइज यूज कर रहे हैं ना, तो सैनिटाइज भी एक खतरनाक केमिकल ही है बेसिकली, जो हमारे स्किन के ऊपर से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको भी किल कर देता है, समझे। बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना चाहिए, बट इस समय तो सीन ही ऐसा चल रहा है। तो अब जैसे रात को हमने डिनर किया, हमने ब्रश नहीं करा, अब आपने टी में ऐड सुना होगा, है ना, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है कि बेस क्या चीज होती है। नमक जो होता है, जिसको नमक बोल रहे हैं बेसिकली, सॉल्ट यानी कि, तो सॉल्ट भी एक तरीके का बेस ही होता है, यू नो दैट वेरी वेल, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, लेकिन हर आदमी तो कुलदीप सर से नहीं पढ़ा हुआ ना, तो उन्हें नहीं पता भैया ये बेस की बात कर रहे हैं, जिसे वो सॉल्ट बोल रहे हैं वो एक्चुअली बेस बोलना चाह रहे हैं। तो एसिड क्या करता है, जो हमारे माउथ में, सॉरी, बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फूड हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, वो धीरे धीरे उसको खाते हैं, और ऑन दैट टाइम दे रिलीज द एसिड, और वो एसिड हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ की अपर लेयर को धीरे धीरे कोरोड करना शुरू कर देता है। वो क्यों? क्योंकि वो एसिड रिलीज होने के कारण। तो हमें ब्रश करना चाहिए रात को सोने से पहले, क्योंकि उसके अंदर बेस होता है, जैसे टीवी वाले सॉल्ट बोल रहे हैं बेसिकली, आपसे टूथपेस्ट का नमक वो बेस है, तो एसिड के बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बेसिकली टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन माउथ फॉल बिलो 5.5। अगर माउथ के अंदर 5.5 से बिलो माउथ की पीएच वैल्यू जाती है, जो ज्यादा एसिड रिलीज होने के कारण हो रही है, वैसे भी रिलीज होता है, और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरिया फूड को खा रहे हैं, तो उस समय भी वो एसिड रिलीज कर रहे हैं, तो ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो वैल्यू 5.4 या 5.5 से नीचे चली जाएगी, और इतना ज्यादा एसिड हमारे टूथ को क्या करता है भैया, डिके करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और घर से करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप लोगों को ही लिखनी है। तीसरा पॉइंट ये होता है यहाँ पर, प्लांट और एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच वैल्यू के लिए। अगर पीएच वैल्यू हमारी चेंज होती है, तो जैसे मैंने बताया, किसी की स्किन जो होती है वो ऑयली होती है, किसी की रफ होती है, ठीक है, किसी की ड्राई है, ये सब पीएच वैल्यू के कारण होता है। तो हम कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, नहीं यूज करनी चाहिए, कोई भी शैम्पू यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए, तो हमारी स्किन की स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर ये पीएच वैल्यू चेंज होती है, तो जैसे कई बार फेस पर दाने निकल जाते हैं, है ना, फोड़े फुंसे वहां से, ये और स्किन का कलर टोन भी चेंज, ये सब चीजों का फर्क पड़ता है इन सब चीजों की वजह से। जैसे अगर आप लोगों को आइडिया हो, एक लोशन आता है सर्दियों में लोग यूज करते हैं, जैसे अब बहुत सारे लोशन लाते हैं, एक आता है लैक्टोकैलामाइन, अगर आप लोगों को पता हो तो, लैक्टोकैलामाइन लोशन है, आप अगर उसे कभी परचेज करेंगे, उसके ऊपर पीएच वैल्यू लिखी होती है, पीएच 5.5, पीएच 3.5, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं लोशन, वो आपकी स्किन की डर्मिस के नेचर के ऊपर डिपेंड। तो प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टू पीएच चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, कई बार एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन की वजह से जो वाटर सरफेस है हमारा, जो वाटर एनवायरनमेंट है, वाटर हैबिटेट है कुछ एनिमल्स के लिए, वहां पर पीएच वैल्यू चेंज हो गई, और उस पीएच वैल्यू चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, दे बिकम डेड, वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक पीएच वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पाते भाई जी। तो ये इश्यूज होता है प्लांट की ग्रोथ का, इसमें एक सिस्टम ही और भी आता है। देखो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी सॉइल होती है, तो सॉइल की पीएच वैल्यू लगभग अराउंड 7 होती है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन हल्का सा 0.2-0.3-0.4 का फर्क हो सकता है, कम भी और ज्यादा भी, लेकिन फिर भी वो ठीक है, सॉइल इतनी वैल्यूएबल है कि हम वहां पर कोई भी ग्रोथ ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एसिड रेन की वजह से भी वहां पर समस्या हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं बेसिक फार्मर्स एंड स्लेक ब्लाइंड,
वो स्लेक लाइन ऐड करते हैं किसके अंदर जी, सॉइल के अंदर। फार्मर्स ऐड स्लेक लाइन टू सॉइल, किस चीज के लिए? सॉइल की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, सॉइल की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, स्लेक लाइन का फार्मूला बताना चाहता है कोई, मैसेज में टाइप करके भेजेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लेक लाइन। वैशाली, ईशान, हाँ जी, पी ए ओ एच की होल्ड प्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, सी ए सी ओ थी तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है शगुन पवार, तो लाइन स्टोन होता है, एस से सफेदी, एस से स्लेक लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आता है, हम इसको यूज करते हैं। और जो रेन होता है, एसिड रेन जो होती है, अगर कितने पर हम बोलते हैं कि वो एसिड रेन है, मान लीजिए कि जो रेन है, जो बारिश है, अगर पीएच वैल्यू 5.6 है तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, एसिड रेन। ठीक है, 5.6 है, अगर इससे ज्यादा होती है तो फिर भी बचने के चांसेस होते हैं। बट टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर और रिवर एंड सॉइल, सो दैट इज हार्मफुल टू द लिविंग सिस्टम। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, 8.4 भी है यहाँ पर, व्हाट इज दैट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट, तो प्लांट्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कई बार एसिड को यूज करते हैं, जैसे कि हनी बी स्टिंग मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, तो एसिड रिलीज करते हैं बेसिकली। तो हल्की से चिन्हहाट मस्ती है, दर्द भी होता है, पेन भी होता है, ये चीज होती है, या कांटा भी चुभ जाएगा, चींटी भी काट लेगी, तो भी हम लोग देखते हैं क्या होता है ऑन दैट टाइम, उस समय भी वहां पर आपको दर्द होता है, थोड़ा सा पेन होता है, चिन्हहाट मस्ती है, तो उसका रीजन क्या होता है, वो बेसिकली रिलीज करते हैं मेथनोइक एसिड इन द स्किन। तो क्या रिलीज करते हैं, मेथनोइक एसिड, तो मेथनोइक एसिड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, तो बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग पेन होता है, तो क्या यूज करें जी, फर्दर बेकिंग सोडा यूज कर लो। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर बेस के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में, जो टॉपिक्स हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में बेटा। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा स्टूडेंट सॉल्ट के बारे में बात करें। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे कोर्स में बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है, बहुत सारे सॉल्ट हमारे कोर्स में। सॉल्ट बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको बताया, देखो सॉल्ट भी एक तरीके का बेस ही है, बट जिन बेस के लास्ट में OH है उन वाले बेस को हमने बेस यानी एल्कली बोलते हैं, जो वाटर डिसॉल्विंग होते हैं, और जिनके लास्ट में, जिन बेसिस के लास्ट में OH नहीं है, वही वाले बेस हमारे सॉल्ट कहलाते हैं। अब सॉल्ट बनता कैसे, कमर्शियल लेवल पर मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ये देख, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाता है NCl, M यानी कि मेटल, और वो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पर जी, एसिड बन जाता है। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, सॉरी सॉल्ट बन जाता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है, अगर कोई भी मेटल किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाएगा, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। सबसे बहुत ही सिंपल, सबसे पॉपुलर, सबसे कॉमन है। अब एसिड तो हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, आप HCl ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वाले केस में सॉल्ट बना है तो वो लास्ट में क्लोरीन है, तो ये मेटल क्लोराइड सॉल्ट है, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड बन जाता है। जब हमारा H2SO4 के साथ एक्शन होती है तो वो सल्फेट सॉल्ट बनता है, सल्फेट फैमिली, सॉल्ट फैमिली, क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट फैमिली, और जब नाइट्रिक एसिड के बनता है तो नाइट्रेट सॉल्ट बनता है। वो भी आगे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आप लोगों को। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पर, जैसे सिलेक्शन कोई कंप्लीट करता हो सकता है, तो मेटल सोडियम है और HCl मैंने ले लिया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को तो इसने हटा दिया,
और खुद क्या बना दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट फैमिली बच। तो इट इज अ सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है एसिड का, वो रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू जी, अमोनियम ग्रुप के थ्रू। एज इन केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास A4 सॉल्ट है, दैट इज द NH4। अब ये मेरे पास कैसा सॉल्ट है, इट इज अ नॉन मेटेलिक सॉल्ट। बच्चों ये मेरे पास नॉन मेटेलिक सॉल्ट है। सर अभी तो आप कह रहे सॉल्ट ऐसे बनता है, भैया ये लैब में जब हम बनाते हैं तो ये लैब में बनाने का तरीका है। अब कमर्शियल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, NaCl होता है, तो कमर्शियल लेवल पर नमक थोड़ी हम ऐसे बनाते हैं। कमर्शियल लेवल पर तो क्या होता है, जो समंदर का पानी होता है, नमकीन पानी होता है, तो उनको इकट्ठा करते हैं, वाटर एवोपरेट हो जाता है, पीछे नमक बच जाता है, वही बेसिकली नमक होता है, ठीक है। तो वो कमर्शियल लेवल पर होता है, बाकी लैब में बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जिसका हमारे पास ये मेटेलिक सॉल्ट है, ये वाला नॉन मेटेलिक सॉल्ट है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, है ना, कि लैब में किस पर्पज के लिए चाहिए, तो उनके अपने अपने फंडे होते हैं। तो मेटेलिक सॉल्ट भी होता है, मैंने आपको ये बताया कि नॉन मेटेलिक सॉल्ट भी होता है। तो सॉल्ट बेसिकली जनरल नेम है, समझे। नॉर्मली अगर आप लोगों ने सुना होगा NaCl मतलब की सॉल्ट, सभी लोग यही सोचते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब की सॉल्ट हो गया। तो बेसिकली सॉल्ट एक जनरल वर्ड यहाँ पर बोला गया है, इसका मतलब हर बार NaCl या हर बार नमक नहीं, सॉल्ट एक जनरल वर्ड है। NaCl जो है वो बेसिकली सॉल्ट तो है, लेकिन ये कैसा सॉल्ट है, ये टेबल सॉल्ट कहलाता है हमारा, इसको हम लोग कुकिंग सॉल्ट बोलते हैं। अब सॉल्ट तो ये भी है, लेकिन इसको कुकिंग में यूज नहीं करते। हमारे पास सल्फेट सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, और भी बहुत सारे, या नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं, लेकिन वो सारे कुकिंग में यूज नहीं होते। और भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे बनता है सॉल्ट, ये देखिए। दुनिया में कभी भी किसी भी एसिड को अगर आप बेस के साथ मिलाते हैं, तो हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, पहला वाटर और दूसरा सॉल्ट, हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन। कोई भी एसिड ले लो, तो ले जब हमारे कोर्स में वही लेंगे, तो HCl ही ले लिया मान लो, मैं बेस ले लो, बेस मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH, ठीक है। अब वाटर यहाँ पर बन गया, वाटर का फार्मूला सबको पता है, H2, देखो OH ही रहा और एक H ही रहा, है ना, इन्होंने दो है, दो H हो गए, एक हो गया, मिलके H2 बना दिया, पीछे क्या बचा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट फैमिली। तो नॉन मेटेलिक सॉल्ट भी है, मेटेलिक सॉल्ट भी है, एसिड प्लस बेस, वाटर प्लस सॉल्ट भी है, मेटल प्लस एसिड, वो भी हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन भी होता है। तो बहुत सारे हमारे पास मेथड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास सॉल्ट होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, देखिए अब कोई भी सॉल्ट बनेगा तो ये कन्फर्म है कि उसके अंदर हम एसिड जरूर लेंगे बेटा, एसिड तो गारंटेड होगा ही होगा। मान लीजिए एसिड आपने ले लिया है यहाँ पर HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो पक्की बात है कि जो सॉल्ट यहाँ पर बनेगा, जो सॉल्ट फैमिली मेरे पास प्रोड्यूस होगी, इट इज अ क्लोराइड फैमिली, तो क्लोराइड फैमिली वाला सॉल्ट आएगा, ठीक है। अब मान लो आप लोगों ने ले लिया यहाँ पर एसिड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट बनेगा, जैसे कि आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, यानी कि सल्फेट फैमिली भी क्या है हमारे पास, सॉल्ट फैमिली। अगर आप लोगों ने यहाँ पर HNO3 लिया, यानी कि नाइट्रिक एसिड, तो सॉल्ट जो फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट होता है। अब मान लो अगर आप लोगों ने यहाँ पर, यहाँ मैंने कहा टेबल सॉल्ट और इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो और भी एसिड होते हैं हमारे पास, जैसे आप लोगों ने ले लिया यहाँ पर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला बताएगा आप लोगों में से यहाँ पर कोई, मैंने बता रखा है भाई, एसिड कर सकते हैं आप लोग, तो सॉल्ट बनेगा कार्बोनेट। अरे बताओ, शगुन ने जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल गलत जवाब है ये। और कोई बच्चा देना चाहता, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट
सोमिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हार्दिक ने भी गलत जवाब दिया है, ईशान प्रताप ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज द H2CO3, बिल्कुल सही जवाब है कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है हमारे पास, तो इस केस में जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आगे आपने ले लिया एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिटेट सॉल्ट बनेगा, एसिटेट फैमिली सॉल्ट फैमिली। फटाफट बताओ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, हरिया भरिया एसिज में, जल्दी जल्दी जल्दी। जी हाँ, इस बार सही जवाब है CH3COOH। तो ये हमारा एसिटिक एसिड होता है जो सिरका होता है बेसिकली। हाँ, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो यानी कि हमारे पास क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली, एसिड, ये सब सॉल्ट फैमिली है। डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड मैंने यूज किया है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एसिड प्लस बेस वाटर प्लस सॉल्ट बनाओ या मेटल प्लस एसिड के आप हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट बनाओ, जो मर्जी बनाओ एसिड तो इन्हीं में से आएगा और सॉल्ट ये वाले बनने हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेक्निक यूज कर रहा हूँ फिलहाल एसिड प्लस बेस वाटर प्लस सॉल्ट। अब मैं एक सॉल्ट का फार्मूला लिखूंगा, उस सॉल्ट को देख करके आपको ये बताना है कि ये वाला जो सॉल्ट है हमारे पास इसके अंदर कौन सा तो एसिड है, कौन से एसिड से बना है और कौन सा बेस इसके अंदर मिलाया है जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होगी। तो जिससे मैं पूछूंगा आप वही बताएंगे, सभी बच्चे मैसेज में ही रिप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर सॉल्ट ले लेता हूं जी, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मैंने लिया, तो आपको बताना है कि कौन सा तो इसके अंदर एसिड यूज हुआ है और कौन सा इसके अंदर बेस यूज हुआ है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले सवाल है टीना सिंह से, टीना हेलो टीना, गिव मी द आंसर, मैसेज करिए कि कौन सा एसिड इसको यूज हुआ होगा और कौन सा बेस इसके लिए बना है। टीना के अलावा बाकी बच्चे भी मैसेज कर सकते हैं। सोमिल ने जवाब दिया है और एसिड सही है, बेस गलत है, और पांडे जी ने जवाब दिया है, भाई एसिड को ध्यान रखो, बेस का भी तो ध्यान रखो, बेस कहाँ है, एसिड और बेस दोनों बताने हैं। टीना अभी तक रिप्लाई नहीं आया है आपका, और सभी स्टूडेंट्स जो रिप्लाई कर रहे हैं, ओहो कैसी बातें कर रहे हैं। शगुन पवार ने जवाब दिया है सबसे पहले, देखो तो एसिड अगर गारंटेड, अगर ये सॉल्ट सल्फेट है तो पक्की बात है एसिड प्लस प्लस तो फोर होगा, लेकिन बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं कैल्शियम कैल्शियम, अब कैल्शियम नहीं होता। ठीक है, प्रतिभा ने सही जवाब दिया है, और सबसे जो एक्यूरेट आंसर तो प्रतिभा ने दिया है, बेस जो है वो हमारे पास CaOH की होल ट्वाइस, शगुन ने बोला था सिर्फ COH लेकिन आंसर जो है CH की होल ट्वाइस, ये हमारे पास बेस है। तो प्रतिभा ने रिप्लाई दिया है और शायद एक दो बच्चों ने और भी रिप्लाई दिया है। ठीक है, प्रतिभा से पहले, तो दिस इज द राइट आंसर, ये एसिड होगा या बेस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अब यहाँ पर, अगला जो सॉल्ट है वो है मेरे पास यहाँ पर बच्चों अमोनियम क्लोराइड। क्या अमोनियम क्लोराइड बताएंगे, इसका जवाब देंगे शगुन पवार, कौन सा एसिड होगा हमारे पास और कौन सा बेस होगा, बताइए फटाफट। हरी अब शगुन पवार, शगुन के अलावा बाकी बच्चे भी रिप्लाई दे सकते हैं, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। टीना ने बताया है, हाँ एसिड तो बिल्कुल सही बताया है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंदिनी ने भी सही बताया है, अरे बेस भी तो बताओ। राशि ने सही बताया है, हार्दिक ने बताया, और हार्दिक ने बताया है बेस। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया हार्दिक ने, जो बेस बताया है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बस उसके अंदर। हाँ शगुन एसिड तो आपने बता दिया है, बेस बताओ, बेस एसिड तो हो गया सर मेरा, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट है हमारे पास, बेस होगा हमारे पास यहाँ पर, वही वाले बेस लेंगे भाई जिनके अंदर OH है। अभिनव क्या कर रहे हो, गलत जवाब शगुन, सर मेरा ठीक है, NH4Cl, इसमें लास्ट में OH तो है ही नहीं, हम तो बेस ही वाले लेंगे जिसमें OH होता है। तो यहाँ पर होगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं भैया, दोबारा बोल रहा हूँ मैं यार, शिव इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिखा है, क्यों, पहली बात तो OH ब्रैकेट में नहीं आएगा इसके अंदर, दूसरी चीज
एनएमएच कहाँ से आ गया, वो सोडियम होता है और यहाँ पर अमोनियम है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे यार जिसके लास्ट में ओएच है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास बेस कौन कौन से है, तो मैंने बताया था एक तो एनएओएच है, उसके अलावा केओएच है, उसके अलावा एमजीओएच की होल्ड प्राइस है और एक सीओएच की होल्ड प्राइस है, और पांचवा जो बेस मैंने आपको बताया था ओएच वाला वो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही तो बताया था। उसके अलावा जितने भी बेस थे वो बेसिकली विदाउट ओएच वाले यानी विदाउट एल्कली वाले बेस थे जो बेसिकली सॉल्ट के अंदर काउंट होते हैं। सो आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे या देख नहीं रहे बेटा, ठीक है, इस चीज को गो थ्रू करिए दोबारा से। चलिए तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों को भेजूंगा जिसमें आपको कौन सा एसिड और कौन सा बेस है ये मेंशन करके मुझे भेजना है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मैं बताता हूँ। तो देखो तीन तरीके के सॉल्ट है मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट। चलिए न्यूट्रल सॉल्ट आपने यहाँ पर यूज किया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए HCl लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, तो एसिड प्लस बेस फॉर्मेशन होगी वाटर प्लस सॉल्ट की, वाटर बना और सॉल्ट बना NaCl। तो देखो ऐसे तो जिनके अंदर भी वाटर बनेगा एसिड प्लस बेस वाटर बना है ऐसे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन होगी, लेकिन सॉल्ट जो यहाँ पर बना है वो न्यूट्रल सॉल्ट बना है। जो मेरे पास यहाँ पर सॉल्ट बना है न्यूट्रल सॉल्ट है और इसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर 7 है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ बेटा कैसा सॉल्ट बना के दिखाता हूँ, एसिडिक सॉल्ट बना के दिखाता हूँ। चलिए अब एसिडिक सॉल्ट के अंदर क्या होता है, एसिड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर HCl, ठीक है, और बेस में लूंगा वीक तो मैं ले लेता हूँ NH4OH जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या भाई ये रहा अमोनियम क्लोराइड, ये वीक बेस है, इट इज अ वीक बेस और ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फॉर्मेशन होगी किस चीज की, बनेगा वही क्या, वाटर प्लस सॉल्ट जी, ये तो कंफर्म ही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 है। तो यानी मेरा कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट। मैं आपको बना करके दिखाता हूँ यहाँ पर बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट के अंदर हम एसिड तो लेंगे वीक, ठीक है, एसिड हम यहाँ पर वीक ले लेंगे और बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग। तो मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाता हूँ इस बार एसिड ले लेता हूँ, चलो कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है ना, H2CO, ठीक है, और बेस ले लेता हूँ स्ट्रॉन्ग NaOH से स्ट्रॉन्ग। अब क्या होगा, ये वाटर बनेगा और सॉल्ट कौन सा बना मेरे पास, यहाँ पर सॉल्ट बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसकी पीएच वैल्यू 9 है। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट है हमारे पास, ये बेसिक सॉल्ट है बेसिक। तो दिस इज ऑल अबाउट द